आप अन्न आदि भी तो खाते हैं, उस पर तो कभी व्रत उपवास नहीं लगाए अपने शौक मौजों पे कि ये कपड़ा नहीं खरीदना, पूरे जीवन भर इतना त्याग करना क्योंकि हमारा अपना चला गया, सब खुशी में सम्मिलित होंगे, आप बेटों की शादी होगी, रिश्तेदारों सब में जाएंगे, लेकिन भगवत भक्ति में अच्छे कर्म में जो आपका और उन सबका कल्याण करेगा उसमें आप हमेशा रोक लगाते हैं कि नहीं इसमें नहीं जाना है, ये नहीं करना है क्योंकि इससे ऐसा हुआ। भगवान को हमेशा हम गलत दृष्टि से देखते हैं, दोषी मानकर देखते हैं, इसमें प्रभु का दोष है। अरे ऐसा कौन व्यक्ति है जो अमर बूटी लेकर आया है, सबको मरना है और ये सत्य है। सब ट्रेन की रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्री है, कौन को स्टेशन कौन को आया होगा सब उतरेंगे महाराज। उस जैसे ट्रेन के अंदर बैठे रहने वाले यात्रीगण एक दूसरे से, अभी आप लोग बैठकर आए होंगे ना, तो कोई कहीं का मिल जाए तो 4-5 घंटे में ऐसी मित्रता हो जाती है, ऐसा प्रेम बढ़ जाता है, लगता है पता नहीं खोए हुए दो भाई मिल गए कुंभ के मेले से, इतना प्रेम इतना भाव। और अचानक से स्टेशन आया और उसने सामान बांधना आरंभ कर दिया और आप कहें नहीं भैया जी आप मत जाइए, मेरा तो मन तो, क्या आपके कहने से रुक जाएगा क्या? आप ये कहें नहीं मेरा मन तो बहुत लग गया, अब आप मत जाइए, आपको मेरी कसम, तो वो कहेगा कि तुम्हें जब इतना ही प्रेम है तो तुम ही मेरे साथ उतर जाओ, तुम उतर जाओ। तो कहे नहीं नहीं हम नहीं उतरेंगे, हमारा स्टेशन तो 2 स्टेशन बाद है। तो कहेंगे भैया तो फिर कभी मौका मिले तो आइएगा, अभी तो यहाँ तक कि राम राम हमारा स्टेशन आ गया, उठाया अपना बैग नीचे उतर जाएगा। उसी तरह से ये जीवन है, कब कौन इस यात्रा के अपने स्टॉप पर आने पर हर कोई उतरेगा, आज नहीं तो वर्षों बाद, स्वाभाविक मृत्यु जब उसकी लिखी होगी तब, या अल्प समय में, कौन कह सकता है? मेरी आयु अभी इतनी है कि मुझे इतना लंबा जीना है कोई पता है क्या? रजिस्ट्रि तो कोई करा के नहीं आया है, जब जिसका समय आया उसी समय छोड़कर जाना पड़ता है, उतर जाता है, सिर्फ यादें रह जाती है। अरे राम जी स्वयं भगवान थे ये माँ कौशल्या जानती थी, स्वयं भगवान ने उनको कई बार प्रत्यक्ष दर्शन दिए, पर जब दशरथ जी का स्वधाम गमन हुआ कौशल्या ने बिल्कुल प्रभु से नहीं कहा था, ये नहीं कि आप परम ब्रह्म हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे पति को जीवित करो, मैं वैधव्य नहीं भोगूंगी, मुझे विधवा नहीं होना, जिद की क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभु की जिसमें राजी होगी, प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु ने कुछ अच्छा ही सोच कर रखा हो। तो जो आपके मार्ग को सही दिशा में ले जाने वाला है, जो आपके जीवन में आपको अच्छे कर्म करने की बुद्धि में प्रवृत्त करता है, कर्म अच्छे कहां से होंगे, जो आपने प्रारब्ध में गलत कर्म किया होगा वही वर्तमान में आज भोगने को मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में अगर अच्छे कर्म कर लोगे तो वर्तमान को भी भविष्य को भी सुधार लोगे, आने वाला कल अच्छा होगा। लेकिन वर्तमान अच्छा बनेगा कैसे और भविष्य अच्छा बनेगा कैसे, जब विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे बन जाएंगे, बुद्धि शुद्ध होगी तभी तो अच्छे काम बनेंगे, तभी तो अच्छा भाग्य अच्छा प्रारब्ध होगा। तो भगवत भक्ति क्या करती है, भगवत भक्ति आपको सात्विक बनाकर रखती है, आपके अंतकरण को शुद्ध करती है, आपसे पाप वृत्ति नहीं होने देती, आपसे कभी कदंचित गलत भी हो जाए तो आपको 10 बार दर्शन कराती है कि आपसे ये चीज तो गलत हो गई है, कभी आपसे अपराध हो जाए और अचानक आपके मन में ये भाव आने लगे कि ये तो कुछ गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने यहां अपने दोषों का दर्शन होने लगे, समझे प्रभु से जुड़े हुए हो, अपने मूल रूप से जुड़े हुए हो और अपने दोषों का दर्शन नहीं हो रहा है आपको, उसमें अच्छाई लग रही है, इसका अर्थ है पाप कर्म में आप लीन हैं। दर्शन अपने दोषों का उसको होगा कि कभी किसी को कठोर बोल दिया तो आपको पश्चाताप हो रहा है अंदर कि उससे क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए, ये तो मेरे से अपराध हो गया, भक्त को ये शोभा नहीं देता, तो ऐसा भाव भक्त का होता और भक्ति से प्रभु से जुड़ा होगा। इसलिए लोग अच्छे कर्म को छोड़ देते हैं, अरे आप सच्चा प्रेम करते हो अपने से, अपने उससे जो चला गया आपको छोड़कर उसके निमित्त अच्छे कर्म करने चाहिए, भगवत नाम लेना चाहिए, उसका पुण्य अपने में से उसको देना चाहिए, उसका भी कल्याण हो,
उसने मेरा इतने समय तक साथ दिया, जब तक मेरा शरीर तब तक तो हम करेंगे, ना कि हम बंद कर दें भगवत सेवा, ना तो अपना ही कल्याण कर पाएंगे ना अन्य किसी का। इसलिए हमेशा चाहे कुछ हो जाए, प्रभु का नाम नहीं छूटना चाहिए, प्रभु का ध्यान नहीं छूटना चाहिए। अगर यही छूट गया तो जीवन में कुछ नहीं है महाराज। इंसान चाहे कहीं हाथ पैर पटक ले, पूरे जीवन भर पटक ले, पर शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक भगवान के चरणों में वो पहुंच नहीं जाएगा। ये बात चाहे अब मान लो, चाहे बुढ़ापे के समय जब मृत्यु निकट खड़ी होगी तब माननी पड़ेगी कि संसार में प्रत्येक सारी चीजों के पीछे जो हम भाग रहे हैं, इन किसी में सुख नहीं है। सुख तो केवल और केवल प्रभु के श्री चरणों में है, जहां व्यक्ति पहुंच जाने के बाद फिर अशांत नहीं होता। कभी कभी संसार की चीजों से आप भक्त को देखते होंगे कि जो चीजें आपके पास है जिनको आप सुख समझते हैं, एक भक्त के पास उनका अभाव है, उनके पास कुछ नहीं है। कष्ट में जीवन है लेकिन उसके जीवन में जो शांति जो आनंद है ना, वो आपके पास नहीं होगा। मन का जो धर्म है वो दुख है, सुख दुख मन का धर्म है, पर आत्मा का धर्म केवल और केवल आनंद है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।